हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कांजीवरम सिल्क साड़ी को धोती ड्रेपिंग कैसे कर सकते हैं। और इसे मैंने नॉर्मल जो साड़ी होती है उसी से ड्रेप किया है। साड़ी का लेंथ 5.5 मीटर है, उसी से मैंने साड़ी को ड्रेप किया है। और इसमें मैंने आपको मेजरमेंट भी बताया है कि नॉट कैसे बांधना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साड़ी का जो एंड होता है उसे मैंने पकड़ लिया है और उसे कोनी से लेकर अपने मिडल फिंगर तक का मेजरमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से मेजरमेंट करना है। यहाँ पर मैंने 1, 2 एंड 30, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 राउंड लिया है और यहीं तक का आपको मेजरमेंट करना है। देन इस जो पॉइंट है उसे पकड़ के रखना है, बाद बाकी को छोड़ देना है। तो ये रहा हमारा साड़ी का मेजरमेंट। यहाँ से लेके आपको नॉट लगाना है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है साड़ी का डिवाइड करने का, जो पर आप देख सकते हैं साड़ी को नॉट करूँगी। तो इसी मेजरमेंट में आपको साड़ी को नॉट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया है। तो इस नॉट को आपको टाइट लगाना है बिकॉज़ इसी से आपकी साड़ी का सब कुछ सेटिंग रहता है, अदरवाइज साड़ी खुल जाएगी। यहाँ पर मैंने साड़ी को पैरों के पल्ले से लेके पीछे की साइड को जस्ट टक करेंगे एंड देन सामने की साइड को लेके आएंगे और नीचे से साइड में जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हम प्लीट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर से लेते हुए मैं प्लीट्स बना रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बट उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, इसीलिए मैंने ये ट्यूटोरियल फिर से शूट किया है और नॉर्मल साड़ी से शूट किया है, जिससे नॉर्मल साड़ी का जो होती है वो हर किसी के पास रहती है। तो इसीलिए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने साड़ी का प्लीट सब रेडी कर लिया। देन ऊपर की तरफ को सीधा पकड़ के देन इसको टक करेंगे। आप इसे सेफ्टी पिन के साथ सिक्योर करके भी टक कर सकते हैं। एंड देन दूसरे पोर्शन को भी हम पैरों के पीछे से लेके जाएंगे और यहाँ पर हम पल्लू के पोर्शन में प्लीट्स बना लेंगे। तो मैंने प्लीट सारे बना लिए हैं और इसको सेट करके कंधे में रखते हुए पीछे की साइड को लेके जाएंगे। तो जितना पल्लू ये बन सकता है बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा पल्लू अच्छे भरा लेंथ मेरा बन गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। देन यहीं तक हम रखेंगे और अब क्या करेंगे, पैरों के नीचे साड़ी अगर फोल्ड हो जा रही है उसे सेट कर लेंगे। तो आप कंधे पे ब्लाउज के साथ पिनअप कर लेंगे पल्लू को और जो ये ढीला पर्श पोर्शन है उसे पीछे की साइड से खींच के सामने की तरफ को लेके आएंगे। एंड देन यहाँ पे जितने प्लीट्स बनते हैं 2 या 3 उसे पीछे की साइड को ले जाके टक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी साड़ी टक हो चुकी है और साड़ी पहनना हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक चेन पहन लेंगे और चेन पहन के मेरी साड़ी रेडी है। तो देखा कितनी इजी तरीके से हम साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस लुक को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आशा करती हूँ आपको इस ट्यूटोरियल में हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।